अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? मेरा नाम उस्मान है, मैं गुजरात पाकिस्तान से हूं और ट्रक चलाता हूं पोलैंड। काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ गर्दश कर रही है कि पोलैंड वाले पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन ही सब कुछ आपका हो जाएगा। तो पहले तो पूरा वीक थोड़ा बिज़ी था मैं, तो कल मैं जुमे वाले दिन, आज हफ्ता है यहाँ पर, आज के दिन ही वीडियो शायद अपलोड करूं कि कल जुम्मे वाला दिन मैं गया था अपने वकील के पास, जो मेरा कंपनी का वकील है, इमिग्रेशन का जो हैंडल करता है, जिसने मेरा कार्ड बनवा के दिया कार्ता पबाइतों का। उससे मैंने पूछा है कि ऐसा ऐसा कोई बात है, तो वो बोल रहा था कि मेरे इलम में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसी कोई हमारी इमिग्रेशन ने कोई अपना अभी तक कोई सोचा भी हुआ ऐसा कि नहीं। मैंने फिर उसको वो न्यूज़ बताई, तो वो बोलता है कि ये न्यूज़ उस बंदे ने अपना ओपिनियन दिया है कि ऐसा होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा लोगों का, तो ये उसका अपना ओपिनियन था। वैसे अगर लीगल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन हो जाएगा वर्क परमिट का आपको इंटरव्यू के, वो अभी तक इनका वो ऑफिशियल कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ठीक है? तो वो सिर्फ एक वो न्यूज़ गर्दश कर रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि फ्यूचर में, वो बोलता है कि मुझे लगता है, उसने अपना ओपिनियन दिया है, बोलता है कि मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ भी तो मेरे ख्याल से विजिट वीज़ा वाला को करेंगे, बाकी जो इनका एम्बेसी का सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड सेम ही है मेरे ख्याल से, इंडिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया में ये मेरे ख्याल से VFS के थ्रू करते हैं, बाकी दुबई जहाँ जहाँ भी पोलिश एम्बेसी हैं वहाँ पर ये इंटरव्यू डी क्लास का ज़रूर लेते हैं, यानी कि वर्क परमिट का। तो जहाँ पे, यानी कि जिस कंट्री में एम्बेसी नहीं है वहाँ पे वो रेफ़र करते हैं कि आप, वो फिर भी बोलते हैं कि आप लोग जैसे मर्ज़ी आओ इंटरव्यू आपने देना, या अपनी कंट्री में चले जाओ तो, या फिर अगर आपने यहाँ आना है तो फिर आपको यहाँ पे एम्बेसी में आके इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। एक और सवाल था, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप वर्क परमिट कैसे चेक कर सकते हैं, असल है या दो नंबर है? कुछ मेरे YouTube वाले भाई बोलते हैं कि आप लोग मुझसे रब्ता करो, भाई किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपका वर्क परमिट किसी से चेक करवा सके, सेकंड किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपके वर्क परमिट के लिए वो अपना काम छोड़ के तो इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएगा, थर्ड हम लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती यहाँ की, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, बहुत लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती, अगर फ़र्ज़ करो हम लोग ऑफिस चले भी जाते हैं तो अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कैसे टेस्ट कराओगे, दूसरा जिस कंपनी ने या जिस एजेंट ने या जिस एजेंसी ने अपना आपका वर्क परमिट निकलवाया वो ही चेक करवा सकता है, वो खुद जाके, सिंपल मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है? जब आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन डालते हो ना, तो सबसे पहले वो वर्क परमिट का नंबर, आपका पासपोर्ट का नंबर और कहाँ से इशू हुआ, कौन सी डेट को इशू हुआ, वो पूछते हैं। अगर आपके एजेंट के पास उसने अपना ईमेल दिया फिर तो आपको नहीं पता चलेगा, अगर आपका ईमेल है तो आपका ईमेल दिया हुआ है आपने एजेंट को तो आपके ईमेल एड्रेस पे 48 आवर्स के अंदर ईमेल आ जाएगी कि भाईजान आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है, आपको लिंक भेज रहे हैं, आप वो लिंक फिल करो एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, ये तरीका है, वो उससे आपको सेटिस्फाई हो जाओगे क्योंकि आपका अपना ईमेल आया, उस पर ईमेल आएगी तो आपको पता चल जाएगा मेरा वर्क परमिट जेन्युइन था, और उस पर यह है कि आपका कंपनी का नहीं पता चल सकता कि कंपनी पीछे है या नहीं, हालांकि कुछ कंपनियां जेन्युइन हैं, कुछ पेपरों में डॉक्यूमेंट्स में ही हैं, लेकिन उसका कोई भी नहीं, कोई यूट्यूबर भी आपको नहीं बता सकता, मैं कम से कम आपको इतना बता सकता हूं कि आप मुझे जो भेजोगे मैं आपको वो चेक करके ऑनलाइन या फ़ोन पर कॉल करके बता सकता हूँ, उसके अलावा कोई ऐसा किसी यूट्यूबर के पास कोई भी सोर्स नहीं है कि वो आपका वर्क परमिट चेक करा के तो वो आपको दे सकें। दूसरा, ठीक है कि एक और भी हैपन हो जाता है कि जब आप एप्लीकेशन डालते हो ना वर्क परमिट के अपॉइंटमेंट के लिए, सम टाइम ये होता है कि जो आपका वर्क परमिट होता है ना उस पर एक इशू डेट लिखी होती है और एक उसकी स्टार्टिंग डेट, यानी कि इस डेट से वो अपना उसका वो उसका दिन गिनती चालू हो जाएगी कि स्टार्टिंग हो गया आपका वर्क परमिट, सबसे ऊपर जो डेट होती है ना वर्क परमिट के लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर वो इशू डेट होती है, ठीक है?
उसके नीचे लास्ट में उसी पेपर के नीचे दो डेट्स आती हैं, एक्सपायरी डेट और स्टार्टिंग डेट। ठीक है, जो पहली डेट होती है ना उस डेट से आपका वर्क परमिट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो अपडेट हो जाता है सिस्टम में। जो इशू डेट होती है ना वो सिर्फ वो इशू डेट होती है, उसका वो उसके नीचे वाले से कोई कनेक्शन नहीं होता। समटाइम ये होता है कि लोग जब आपका वर्क परमिट अपडेट नहीं ना होता उससे पहले ही आप एप्लीकेशन डालना शुरू कर देते हो, तो वो आपको बोलते हैं कि आपका वर्क परमिट वैलिडेटेड नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा दो नंबर वर्क परमिट है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग वो डेट से पहले ही एप्लीकेशन डालना शुरू कर देते हो जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा रीज़न, आपका पासपोर्ट नंबर आप गलत डालोगे तब भी वो आएगा, ऐसे ही आएगा। और ये नहीं बताएगा कि आपने ये चीज़ गलत डाली है, वो सिर्फ आपको बोलेगा कि ये वैलिडेटेड नहीं है। थर्ड, आपका वो जिस वायुदा से आपका वर्क परमिट इशू है ना, वो भी आप गलत डालोगे तो वो आपको आंसर सेम ही आएगा। इसमें तीनों में वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने ये गलत चीज़ डाली है। समटाइम ये होता है कि होता है वो जेन्युइन ही है, लेकिन आपको वो उसको ठीक तरीके से फिल करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो ये ऑप्शन देता है आपको बार बार कि आपका वर्क परमिट वैलिडेटेड नहीं। सबसे पहले वैलिडेटेड जो वैलिडेटेड उसकी डेट होती है ना वो ज़रूर चेक किया करके, पासपोर्ट नंबर और जिसने इशू किया है। ठीक है, वो इतना हार्ड नहीं है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इतना हार्ड नहीं होता उसको फिल करना, ईजिली आप फिल कर सकते हो। मैंने भी किसी से करवाया था। कोई भी चीज़ आप सीखते हो ना तो उसकी आपको कीमत देनी ही पड़ती है। मैंने अपनी एप्लीकेशन किसी को पैसे दे के फिल कराई थी। एक और भाई थे, उनको एजेंट ने वर्क परमिट ट्रक ड्राइवर का निकलवा दिया है, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है, ना ही वो ड्राइवर है। मेरे लिए ये खुद हैरानगी की बात है कि पता नहीं कैसे उनका वर्क परमिट निकल आया, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है, मैंने अपने कज़न का वर्क परमिट लिया था उनसे, उसके पास 2009 से पहले का लाइसेंस है। उन्होंने लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस और वेरिफिकेशन मांगी थी, उसके बाद उसका अप्रूवल आया था वर्क परमिट का। अभी उसका वर्क परमिट कैसे निकल आया ये नहीं मुझे पता। अब वो भाई साहब अगर इंटरव्यू को जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे एम्बेसी में, तो वहाँ पे जो भाईजान इनके ऑफिसर होते हैं ना, हम लोग उसे इंटरव्यू लेते हैं, वो बड़े काबिल ऑफिसर होते हैं, उनको स्पेशल इस चीज़ की स्टडी कराई जाती है। वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बोलने का अंदाज सब कुछ उनको मालूम हो। वो हम लोगों को असल में इंटरव्यू पे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए नहीं बुलाते, वो हम लोगों को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आप उनको TCS भी कर सकते हैं, DHL भी कर सकते हैं। तो अभी और वो भाई जाएंगे तो उनको इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि लाइसेंस दिखाओ, तो लाइसेंस तो उनके पास है ही नहीं, तो फिर वीज़ा कैसे लगाएगा, किसी तरीके भी नहीं देंगे। वो भाई जान इतने पागल और फजूल लोग नहीं हैं बैठे एम्बेसी में कि उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा सयाने होते हैं। ठीक है, उनको स्पेशल इस चीज़ की स्टडी कराई जाती है, इसके बाद वो इस सीट पे आके इंटरव्यू लोगों से लेते हैं, उन्हें हर चीज़ का मालूम होता है। अगर आप सोचोगे ना कि हम लोग उसको फेक या ऐसा कुछ दे के क्लियर करा लेंगे तो वो झूठा है। लास्ट बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले के नहीं दे सकता। ठीक है, ना आप पैसे दें किसी को, ठीक है, बार बार दूसरा आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो, बार बार वो सेम सवाल करते हैं।